हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर है फूल, उसके बाद कपड़े और सफ़ेद, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें दोस्तों, यानी इसे जब मिरर यहाँ पर दर्पण लगा देंगे इस प्रकार से और देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब आपके TCS से लिया गया है, जो एजेंसी कंडक्ट कराई है प्रीवियस में, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों का रीजनिंग का 489 है। यदि इससे आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे पार्ट वन से। और जिसने हमारा मैथ वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहां पर आप मैथ के सारे वीडियो को देख सकते हैं, बेसिक से बिल्कुल बेसिक तरीका से हमने बताया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, UPSI, DSCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, RBSSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर एनालॉजी से दिया गया, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे उसने लिखा है M, उसके बाद लिखा है E, T, A और L। तो देखिए मेटल का कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है O, उसके बाद लिखा है C, V, Y, N। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसका कोड क्या लिखा जाएगा, R है, E है, U, उसके बाद S और E। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि M से यदि O पर जाएंगे, E से यदि C पे जाएंगे, T से यदि V पे जाएंगे, A से Y पे, L से N पे। तो उसी प्रकार से इसका आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या लेटर का वृद्धि क्या है और या क्या कमी क्या है। ये देखिए लॉजिक देखिए कि M से यदि O पर जा रहे हैं तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, +2 कर दिया है। E से यदि C पे आ रहे हैं तो यहाँ पर -2। उसी प्रकार से T से V पर तो प्लस यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 2 किया है। उसी प्रकार से A में यदि 2 लेटर घटा देंगे तो Z हो जाएगा और फिर Y। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे, 2 लेटर। तो वही काम करना है दोस्तों, शुरू में उसने +2 किया, उसके बाद -2, उसके बाद फिर उसने +2, फिर हम लोगों का -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। तो चलिए कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो R में 2 लेटर कर देंगे तो R के बाद क्या होता है, S और T। E में कर देंगे 2 लेटर का कमी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। उसी प्रकार से U में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, W हो जाएगा। S में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, Q हो जाएगा। और E में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, T, उसके बाद हम लोगों का C, W, Q और क्या दोस्तों, G। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर B को देखिए दोस्तों, हूबहू हम यहाँ पर दिख रहा है T, C, W, Q और क्या, G। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। आप अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने, काउंटिंग फिगर से संबंधित कर रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी बताना है कि इस फिगर में टोटल यहाँ पर कितना त्रिभुज है, तो काउंट करके आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सबसे पहले इस तरीके का यदि फिगर बना हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि अगर इस प्रकार से हम लोगों का बना हुआ है, और इसमें देखिए जैसे एक यहाँ पर उसने किया है,
इस जगह से, यदि इस जगह से एक कर दिया और मान के चलिए क्या हम लोगों के सामने एक इस जगह पे इस प्रकार से क्या, और इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कितना त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे निकालते हैं, देखिए इसको क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, यानी कितना है, देखिए जैसे एक हो गया, उसके बाद दो हो गया और तीन हो गया, तो सबको जोड़ लीजिए, एक प्लस दो और प्लस क्या दोस्तों तीन। अगर इस प्रकार से आपसे त्रिभुज पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तीन दो पाँच, एक क्या हो जाएगा दोस्तों छः। तो वही काम आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो उसी प्रकार से क्या है, ये हो जाएगा एक नंबर, ये हो जाएगा दो नंबर और ये हो जाएगा दोस्तों तीन नंबर, तीन दो पाँच एक छः त्रिभुज, तो ये पूरा एकदम सब मिला के कितना हो गया, छः त्रिभुज तो निकल गया। तो छः के बाद अब गौर कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का सातवां, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने आठवां, ठीक है सर। तो आठ तक तो त्रिभुज आ चुका, आठ के बाद अब गौर कीजिए दोस्तों, आठ के बाद हम लोगों का कहाँ होगा, ये देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर मिला देंगे इसको पूरा का पूरा, आठ के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जाएगा तो ये एक त्रिभुज बना रहा है तो नौ हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ से इसको लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, दस हो जाएगा, और उसी तरीके से जब इसको मिलाएंगे दस के बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब यहाँ से एक यहाँ पर बनेगा तो हम लोगों का टोटल कितना बनेगा, 11 बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हमने आपको क्या बताया कि पहले यहाँ पर अगर इस प्रकार से आकृति दिया गया और इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो छः त्रिभुज, तो आपने ऊपर में यहाँ से यहाँ तक में छः त्रिभुज निकाल दिया, वही फिगर को हमने जूम करके यहाँ पर दिखाए कि इसमें क्या है, छः त्रिभुज है। तो छः के बाद आपका ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, और आठ के बाद देखिए ये हो गया हम लोगों का यहाँ से जो मिला दिए इसको नौवां, और उसी प्रकार से यहाँ से इसको मिला दिए इस प्रकार से दसवां, और एक बड़ा वाला जो यहाँ इस पे बन रहा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ग्यारहवां हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ से जो हम लोग ये वाला तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्यारह हो जाएगा। देखिए अच्छे से गिनिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि टोटल इस आकृति में कितना त्रिभुज है, ग्यारह त्रिभुज दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन करें। तो विषम यानी कि चार में से तीन समान रहेगा, एक अलग रहेगा। तो देखिए यहाँ पर देखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मुद्रा पर आधारित है, क्या है, मुद्रा पर आधारित, तो मुद्रा पर क्या हो जाएगा, आधारित, हमने बता दिया यहाँ पर क्या है, मुद्रा पर आधारित। तो चीन देश की मुद्रा क्या है दोस्तों, हम लोगों का युआन है। उसी प्रकार से थाईलैंड देश की मुद्रा क्या है, बहत है। उसी प्रकार से हम लोगों का जापान देश की मुद्रा क्या है दोस्तों, येन है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया, इधर की तुर्की का क्या कर दिया दोस्तों, लीरा। भले तुर्की देश का हम लोगों का लीरा है, लेकिन उसने क्या किया इधर से कर दिया, ई साइड से हम लोगों का लिखा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए वैसे तो तुर्की देश का मुद्रा लीरा ही है, लेकिन उसने क्या किया, उल्टा शब्द कर दिया है, यानी पहले हम लोगों का मुद्रा रख दिया, उसके बाद उसने देश रखा है। अब बाकी सभी में क्या है, पहले देश है, उसके बाद मुद्रा, देश उसके बाद मुद्रा, देश उसके बाद मुद्रा, लेकिन यहाँ पर उसने पहले मुद्रा और देश, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे तो आप जान रहे हैं कि तुर्की देश का हम लोगों का मुद्रा क्या है दोस्तों, तुर्की देश का मुद्रा क्या हो जाएगा, हम लोगों का लीरा ही है, लेकिन उल्टा लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है, करें कोई भी आर जो है टी नहीं है, तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, कोई भी आर जो है वह टी नहीं है, तो टी को इस प्रकार से जिसमें नहीं है तो उसको क्रॉस चिन्ह लगा दिया। फिर कह रहा है कि सभी टी यानी जितने भी टी है वो क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने एच है, तो ठीक है सभी टी अब क्या हो गया, एच हो गया। तो यहाँ पर हमने सभी टी को क्या बना लिया, एच बना लिया। इसको थोड़ा अलग अति से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ये क्या है दोस्तों, जिसमें नहीं कहा, यानी कोई भी आर जो है हम लोगों का टी नहीं है, तो टी नहीं है इसीलिए पहला वाला इक्वेशन से चले तो इस पर क्रॉस चिन्ह लगाए। अब देखिए वक्ताव में दिया गया, यानी कि एक तरीके से निष्कर्ष जो दिया है, करें कोई भी टी जो है आर नहीं है, तो कोई भी टी जो है दोस्तों वो आर नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी टी और आर में तो कोई रिलेशन नहीं, मतलब कोई भी, उसने यही कह रहा है कि कोई भी टी जो है आर नहीं है, तो यही बात तो उसमें कहा है कि कोई भी आर जो है टी नहीं है, तो यहाँ पर वही बात को कह रहा है कि कोई भी टी जो है आर नहीं, जब आर टी नहीं है तो टी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आर नहीं होगा, तो ठीक है। उसके बाद अब दूसरा निष्कर्ष दिया है कि कोई भी एच जो है टी नहीं है, तो कोई भी हम लोगों का एच जो है टी नहीं है, कोई एच तो हम लोगों का यानी एच के बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा तो टी का है, और यहाँ पर कर रहा है नहीं, तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तीसरा में फिर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने,
उनका जा रहा है, कोई भी आर जो है एच नहीं है, कोई भी आर जो है वह एच नहीं है, तो आर और एच में हम लोग इसका रिलेशन नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट देगा क्या तीसरा वाला सही कर देगा कि बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, कोई भी आर जो है एच नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको समझना है कि आर का जो ई एच का जो हिस्सा है ये तो आर को भी इस प्रकार से कट कर सकता है, तो कर सकता है इसका अर्थ कुछ आर जो है तो एच हो सकता है और पहला वाला डायग्राम से कर रहा है तो कुछ आर नहीं हो रहा है, यानी कोई रिलेशन नहीं, तो कहीं भी अगर दोनों में से गलत हुआ तो ये क्या बात हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कोई भी आर जो है एच नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं कि आर एच है कि नहीं है। एक डायग्राम से पहले डायग्राम से जो इस तरीके से किए हैं तो वहां तो कोई आर जो है एच नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको इस प्रकार से टच किया हुआ अगर निकालेंगे तो कुछ आर एच हो जाएगा, तो दोनों में से अगर कहीं गलत हुआ तो वो बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहां पर दूसरा भी सही आने लगता है कि ये भी बात तो आप सही कर रहे हैं, अरे दोनों डायग्राम पहला डायग्राम से देखिए पहला डायग्राम कैसा था, ये तो बाद में हम डॉट डॉट से लगा कि इसको भी टच कर सकता है, इसका अर्थ कुछ हम लोगों का आर एच हो जाएगा, और वो कह रहा है कोई भी आर एच नहीं है, ये बात गलत कर रहा है, इसीलिए यहां पर गलती की है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि एक सटी घड़ी में सुबह 7 बज रहे हैं और जब घड़ी शाम को 7 बजे दर्शाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब अगर 7 बजे सुबह से दोस्तों 7 बजे शाम तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूम रहे है, यही बात आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एक घंटा में जो है, यहाँ पर याद रखिए कि एक घंटा में घंटे की सुई क्या हो जाएगा दोस्तों, घंटे की सुई यहाँ पर लिख देते हैं, एक घंटा में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये बात आपको याद रखना होगा कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखना होगा कि एक घंटा में जो है घंटे की सुई हम लोगों का कितने डिग्री का कौन बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का बनाता है। तो देखिए सुबह के 7 बजे से लेकर आप शाम के 7 बजे तक में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 12 घंटा हो जाएगा, तो एक घंटा में जब 30 डिग्री का कौन बनाता है तो 12 घंटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर लिख देते हैं कि 12 घंटा में जो है, तो एक घंटा में 30 डिग्री बना रहा है तो 12 घंटे में, ये देखिए 12 घंटे में, 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, एक घंटा में अगर इतना तो हम लोगों का 12 यहां पर लिख दिए घंटा, एक घंटे में 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा, तो कितना डिग्री का हम लोगों का कोण बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, एक घंटा में जब 30 डिग्री हो रहा है तो 12 घंटा में 12 गुना क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 12 गुना 30 कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात समझ लीजिए कि अगर घंटे की सुई, ये बात याद रखना है कि एक घंटे में जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा 12 गुना 30 हो जाएगा, तो 360 डिग्री का कोण, ये बात हम लोगों का क्या है दोस्तों, बेसिक बात है, इसको आप हमेशा याद रखना होगा कि किस तरीके से इसको याद रखते हैं कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे होगा। 5 मित्र ABCD उत्तर दिशा के सम्मुख में है, ED के निकटतम हम लोगों का दायां बैठा है, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इस साइड में दायां और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है ED के निकटतम दायां है, यानी ई जो है मान के लिए हमने इस जगह पर बैठा दिया, ई जो है डी के निकटतम दायां, तो डी को यहाँ पर बैठा दिया, डी के निकटतम एकदम निकट में दायां में है, ई जो है डी के निकटतम दायां, तो बिल्कुल सही कह रहा है दायां बैठा है, और कह रहा है कि ए सबसे बायां में है, तो ए कहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए सबसे बायां, उसने कहा है लाइन को गौर कीजिए ए सबसे बायां है, फिर कह रहा है सी जो है ए और डी के बीच में, यानी सी जो है दोस्तों सी यहाँ पर हो जाएगा, सी उसने कहा है कि पढ़ते चले और करते चले, सी जो है ए और डी के बीच में, 5 मित्र है 4 लोग बैठ गया, अब हम लोगों को एक लोग को बैठाना है, एक लोग कौन बच रहा है,
बी बच रहा है तो बी यहाँ पर बैठेगा, बस हो गया। तो कह रहा है ई के निकटतम दायां कौन है, तो देख लीजिए दोस्तों ई के निकटतम दायां कौन है, तो ई के निकटतम दायां यहाँ पर क्या निकला, बी निकला। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई इधर बैठ रहा है कोई उधर बैठ रहा है, तो आपको दायां बायां हमेशा याद रखना है और सब उत्तर की ओर देख रहा है, तो दायां और बायां इस तरीके से हम लोगों का लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी बी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी ये वाला जो फिगर देख रहे हैं ए में है बी में है सी में है डी में है, किस ऑप्शन में नजर आपको आ रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं, देखिए अगर पहला ऑप्शन में देखा जाए तो ऐसा तो कहीं है नहीं, इसको हटा दीजिए। अगर हम लोग दूसरा में देखा जाए दोस्तों, तो दूसरा में भी तो अगर इस प्रकार से देखा जाए कि नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग सी में इसमें बात किया जाए दोस्तों तो बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा सी वाला में। देखिए यहाँ से रुक जाइए, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पे, और उसके बाद इस जगह से इस प्रकार से निकाला हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उसने वही कहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, तो सी वाला में निहित है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, ये मैथ से दे दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, कह रहे हैं जब एक पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो योगेश अपनी यात्रा कम कर देता है और ताकि पेट्रोल पर अपनी मासिक व्यय को पहले की तरह रखा जा सके, योगेश ने अपनी यात्रा में कितना प्रतिशत की कमी किया है। तो देखिए जिसको भी मैथ बेसिक तरीका से पढ़ना है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, हमारे अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैथ वाले चैनल का, तो जाके वहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसने TCS ने दोस्तों एकदम जो लेटेस्ट पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जब एक पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होता है, तो पहले क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कि पहले हम लोगों का 100 था, पहले क्या था दोस्तों 100 था, और अभी यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्तमान, इसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान में कितना हो गया, तो वर्तमान में 25% की वृद्धि हुआ, तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। बेसिक बात को समझ लीजिएगा तो आपका प्रश्न कभी नहीं गलती होगा। पेट्रोल के मूल्य में कहा है कि 25% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि होता है इसका अर्थ पहले जो है हम लोगों का कितना था, तो पहले 100 था और अभी 25% का वृद्धि हो गया, तो टोटल यहाँ से यहाँ पर जाने में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 25 का वृद्धि हुआ। तो कह रहा है पहले जैसा, वो यहाँ पर बोला है कि पहले जैसा व्यय रखना चाहता है, पहले जितना था तो 100 ही रखना, तो कितना कमी कर रहे हैं, 25 का कमी कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, तो यही वाला में वर्तमान में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 125 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इसका हमेशा ट्रिक याद रखिएगा कि जिसमें कमी करेंगे उसी को ले लेते हैं, कि ताकि पेट्रोल के व्यय में अपने मासिक व्यय को पहले जैसा रखना है, तो पहले जैसा यानी 100 ही रखना है, तो कमी कर रहे हैं 125 में, तो उसी को नीचे लिखा जाता है, बस इसको कटा देते हैं दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो 25 पंचे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कट गया तो 20% इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, और मैथ जितना भी आपको एकदम पढ़ना है तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये फूल है कपड़े है और सफ़ेद है, इसका कौन सा व्यंजन आरेख बनेगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमने अलग अलग बुक में देखा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने, इस जगह पर लिखा जाएगा दोस्तों सफ़ेद, यानी कि कुछ सफ़ेद जो है हम लोगों का क्या हो सकता है, तो कुछ सफ़ेद के फूल होते हैं, उसी प्रकार से कुछ सफ़ेद के क्या होते हैं दोस्तों कपड़े होते हैं, तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, यानी कुछ सफ़ेद फूल हो सकते हैं, कुछ सफ़ेद क्या हो सकते हैं कपड़े हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा।
सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही किया है 16 में से। और क्या करेंगे, जाके चैनल पे दोस्तों जिसने पार्ट वन से अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो एकदम हमने पूरा जितना भी किताब है हर TCS के लेटेस्ट पैटर्न या इससे प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन है हमने सबको करवा दिया, तो पार्ट वन से स्टार्ट प्लेलिस्ट बना दिए, एकदम चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिलेगा पार्ट वन से स्टार्ट करके। यदि आप सारे पार्ट देख लेते हैं दोस्तों तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, जानते हैं कि एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होता है, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पर करवा के रख दिए हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए दर्पण अगर वो कभी नहीं दे तो आपको दर्पण हमेशा दायां साइड में ही लगाना है और ऑप्शन को भी नजर रखना है कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया है। तो चलिए अब दर्पण हमने लगा दिया, चलिए अब देखिए तो कौन सा सही होगा। तो सर यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों का वाई होगा और पी जो है हम लोगों का ई साइड से पी हो जाएगा, उसी प्रकार से ई साइड से क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, फिर ए तो ए ही ऐसा ही रहेगा, फिर हम लोगों के सामने एच है तो एच ऐसा ही रहेगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में हो जाएगा इस तरीके का। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी डी में दिया गया हूबहू देखिए वाई, उसके बाद हम लोगों का डबल पी ए एच, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया, कर एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लाता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो तस्वीर वाला व्यक्ति लता से क्या संबंध रखता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लता कहती है, तो इस जगह पर हमने क्या बना लिया, लता बना लिए, ठीक है। लता का देखिए वह मेरे दादा, यानी दादा कौन होगा दोस्तों, तो लता का कोई पिता होगा और पिता का जो पिता होगा तो वही हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, दादा होगा, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा होगा। तो उसने कह रहा है कि दादा के इकलौते पुत्र, यहाँ पर इस लाइन को गौर कीजिए, दादा का इकलौता पुत्र, तो दादा का इकलौता पुत्र तो खुद यही हो गया, इसका पिता ही हो गया, लता का पिता ही हो गया। कह रहा है कि पुत्र का पुत्र, यानी इसका भी कोई क्या है दोस्तों, पुत्र है, यहाँ पर देखिए इसका भी कोई क्या है, पुत्र है, और यही हम लोगों का क्या है, तस्वीर वाला व्यक्ति, एकदम समझने का प्रयास कीजिए, यही हम सब चीज लिख दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, यही है तस्वीर वाला व्यक्ति। तो बताइए हम लोगों का यानी लाता का ई कौन लगेगा, तो लाता का सीधा सा सवाल हो गया कि लाता का ई कौन लग जाएगा, भाई लग जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहाँ ही नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लाता का दिख हुआ मेरे दादा, यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी पिता और इकलौते पुत्र का पुत्र है, उसने कहा इकलौते पुत्र का पुत्र, इस लाइन पर गौर कीजिए, तो पुत्र का पुत्र यहाँ पर लाता का कौन लगेगा, तो भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उस जोड़ी का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, इसमें से देखिए एक समूह, दो समूह, तीन समूह, चार समूह दिया है, तो इन चारों समूह में से कौन सा एक अलग है, तो चलिए बता देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये देखिए पहला ऑप्शन बताते हैं कि इसको जब उठाएंगे तो ये 8 से जो लिखा है दोस्तों, थोड़ा इस जगह पर लिखते हैं, 8 से जाएंगे दोस्तों जैसे 512 पे, तो उसने क्या किया है, यहां पर हमने कर दिया 8 का 512, उसी प्रकार से उसने लिखा है दोस्तों 9 का उसने क्या लिखा है 700, हम लोगों का 19 दिया है, उसी प्रकार से उसने 1 का क्या लिखा है दोस्तों, इस जगह पर 1 लिखा है, और 4 का उसने क्या लिखा है, तो 4 का उसने 64 लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक चला है, आप समझ गए होंगे कि सर क्यूब क्या है, देखिए 8 का यहाँ पर उसने क्यूब किया है, यानी कि 8 का क्यूब, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों घन, 8 का क्या क्या है, घन क्या, उसी प्रकार से 9 का क्या क्या है दोस्तों, घन क्या है यानी क्यूब क्या है, 9 का घन ऐसे 9 का क्यूब, 9 का क्यूब यानी 9 × 9 × 9 तीन बार कीजिएगा 729 आएगा, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिख दिया है, इस जगह पर 719 लिखा है, तो यही गलती है। उसी प्रकार से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी में गलती किया है, अरे 9 का क्यूब यहां पर 729 होता है और उसने लिख दिया है 719, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले सही आकृति को चुने, तो आकृति वाले प्रश्न ही देखिए इस जगह पर दिया गया, इनमें से अब कौन चारों ऑप्शन में से वहां रखा जाएगा,
तो पहले एक दूसरे से लॉजिक लगाना होगा कि पहला फिगर का संबंध दूसरा दिया है तो उसी प्रकार से तीसरा का चौथा होगा। तो कैसे लिखा है देखिए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर इधर तीर वाला जो निशान है उसी को क्या किया है उसने इस जगह पर उस पेंट को इसको क्या किया है पेंट नहीं किया और उसको हम लोगों का पहले रखा। तो उसी प्रकार से जिसमें इसमें तीर वाला निशान है तो तीर वाला निशान है तो पहले इसको रखा जाएगा, यानी तीर वाला अगर निशान को पहले रखा जाएगा तो हम लोगों का किस तरीके से हो जाएगा और फिगर को उस क्या कर रहा है पलटा रहा है यानी नीचे की ओर ला रहा है। तो इस जगह पर देखिए यहाँ पर हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा, उसके बाद इस तरीके से और फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और फिर हम लोगों के सामने इसी पे एक त्रिभुज इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर बना लीजिए तो हो गया यही बनेगा। और इस साइड से हम लोगों का एक तीर का निशान इस प्रकार से निकला रहेगा और कौन सा भाग पेंट किया हुआ रहेगा तो ये वाला भाग जो रहेगा हम लोगों का पेंट किया हुआ रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा पहला आकृति और दूसरा आकृति देखना होगा कि किस प्रकार से उसने फिगर को दिया है, तो ये वाला हम लोगों का पेंट करके आपको रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नहीं होगा थर्ड, नहीं होगा दो, नहीं होगा वन। देख लीजिए उसने फिगर को यहाँ पर पलटा रहा है यानी घड़ी के सुई की दिशा में ला रहा है, तो घड़ी के सुई की दिशा में जिस प्रकार से घुमा रहे थे इसको भी घुमा देंगे। तो जैसे ही घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे और जिसमें तीर का निशान दिया गया वो वाला भाग पेंट नहीं कर रहा है, पेंट कर रहा है नीचे वाला भाग को, तो उस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली है, यानी जितने भी कुत्ते हैं यहाँ पर कुत्ते का हिस्सा किसके अंतर्गत ले जाएंगे तो बिल्ली के अंतर्गत ले जाएंगे। इस जगह पर हमने कर दिया सभी कुत्ते क्या हो गए बिल्ली हो गए। फिर कह रहा है कि सभी बिल्ली जो है चमगादड़ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं चमगादड़, इस जगह पर हमने लिख दिया क्या हो जाएगा दोस्तों चमगादड़। इसको इस प्रकार से डायग्राम को क्या कर देना है बना देना। अब निष्कर्ष पे चलते हैं, देखिए क्या कहा है उसने, निष्कर्ष में दिया कि सभी चमगादड़ बिल्ली है, क्या सब तो चमगादड़ वाला इतना बड़ा गोला का हिस्सा ये बिल्ली के अंदर में जाएगा, बिल्ली का तो इतना सा छोटा सा गोला है इसमें कैसे जाएगा इतना बड़ा चमगादड़ का, तो पहला वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। वो क्या कहा निष्कर्ष में कि सभी चमगादड़ बिल्ली है, तो क्या इतना बड़ा जो सबसे बड़ा गोला चमगादड़ का है, तो चमगादड़ का गोला बिल्ली के गोसा में बिल्ली के गोले में कैसे जा पाएगा, इतना बड़ा गोला उसमें नहीं सिमट पाएगा, तो ये बात क्या कर रहा है दोस्तों गलत कर रहा है। तो पहला वाला हमने गलत कर दिया, इसको हटा देते हैं कि पहला गलत है। अब दूसरा देखिए कह रहा है सभी कुत्ते चमगादड़ है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहा है सभी कुत्ते, अरे जितना भी कुत्ता का हिस्सा है वो किसके अंतर्गत है चमगादड़ के, क्योंकि इतना बड़ा गोला चमगादड़ का है, तो वही कह रहा है सभी कुत्ते। यहाँ पर देखिए जो वर्ड पहले लिखा उस पर फोकस कीजिए, कह रहा है सभी कुत्ते, तो जितना भी कुत्ता है वो चमगादड़ के हिस्से में है, यानी चमगादड़ का इतना बड़ा गोला का हिस्सा में सब कुत्ते का है, कह रहा है सभी कुत्ते यानी सारा कुत्ता जितना भी कुत्ता है वो चमगादड़ है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कहाँ पर दिया गया है केवल दो निष्कर्ष, किस ऑप्शन में देख रहे हैं, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यही वाला क्या हो जाएगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, तो देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाते हैं, वक्तव्य और फिर लिखा हम लोगों का विवाद। तो यहाँ पर कहा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद सख्त है, तो यानी कि एक तरीके से जो तर्क वाले आते हैं कि तर्क दिया रहता है कथन उसमें पूछता है कि कौन सा सख्त है, उसी टाइप के से क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि क्या CBDT द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए, ये दिया आपसे एक तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि क्या भारत में CBDT द्वारा जो है हम लोगों का भारत सरकार द्वारा क्या कहा है दोस्तों कि आयकर को समाप्त कर दीजिए, यानी टैक्स जो होता है उसको क्या कर दीजिए समाप्त कर दीजिए। अब विवाद क्या, हाँ यह भारत में वेतन भोगियों के लिए क्या है दोस्तों एक आवश्यक बोझ है, ये हम कैसे कह सकते हैं, अगर ये बोझ रहता तो ये विवाद यहाँ पर ये सही नहीं होगा, करें नहीं ये भारत सरकार के लिए राजस्व के लिए एक बेहतरीन स्रोत है, ये बात सही है दोस्तों। हम लोगों का जो CBDT है भारत सरकार में आयकर को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से वही कह रहा है कि नहीं यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है, यानी अच्छा स्रोत है, राजस्व यानी टैक्स मिलता है, तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, केवल दो होगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया कि केवल विवाद दो सख्त है, यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझना होता है। वो कह रहा है क्या सीबीटीटी द्वारा भारत सरकार आयकर को समाप्त कर देना चाहिए था, अब विवाद दिया है। हाँ, या भारत के वेतन भोगियों के लिए आवश्यक बोझ है, तो ये हम लोगों का सख्त नहीं है। कह रहा है नहीं, या भारत सरकार के लिए एक बेहतरीन स्रोत है राजस्व का, तो ये बात सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, केवल विवाद दो सख्त है। चलिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, डायरेक्शन यानी दिशा से। कह रहा है कि निवेदिता यहाँ पर ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला और रुक जाता है, और वह अपने फिर दाई तरफ मुड़ा और 8 किलोमीटर जाती है, इसके बाद वह अपनी दाई तरफ 4 किलोमीटर जाती है, तो ऑफिस से वह कितना दूर है। अब देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ऊपर में जो होता है हम लोगों का उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। ये बात हमेशा आपको फिक्स रखना है कि ये दक्षिण हो गया, और इस साइड में जो है हम लोगों का पूर्व होता है, इस साइड में पूर्व, और इसके अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है। हमने बिल्कुल बेसिक बात यहाँ पर समझाया कि ये हो गया हम लोगों का पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं। कह रहा है कि निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर हम लोगों का दाईं तरफ मुड़ता है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये देखिए 10 किलोमीटर यहाँ तक चल दिए यानी पश्चिम की ओर चला, उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी इस साइड मुड़ेगा, और कितना चला है दोस्तों, कह रहा है 8 किलोमीटर चला है, तो 8 किलोमीटर चल दिए, तो अब वह अपने कह रहा है कि दाईं तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों कि अपने दाईं तरफ मुड़ता है, तो दायां ओर मुड़ेगा यानी इतना सा दूरी हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, ये 4 किलोमीटर चला है, ठीक है, ये दाईं तरफ कहा है कि दाईं तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है, तो दाईं तरफ अगर वो मुड़ गया तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, यानी ये भी दूरी अब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये भी दूरी हम लोगों का एक तरीके से क्या हो जाएगा, हम लोगों का 8 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी इस साइड में क्या लिख देंगे, 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे दूरी पूछा गया है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए अभी तक अगर आपने नहीं समझा तो ये यहाँ तक का दूरी ये भी 8 ही होगा। अब इस जगह से पूछा है दोस्तों कि ये वाला जो है दूरी आपको निकाल के बताना है कि कितना होगा, एक तरीके से यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हम लोगों का समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी ये अगर ऊपर में 4 है तो ऊपर में 4 है तो इतना सा दूरी क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 हो जाएगा, अरे टोटल 10 है तो 10 में से इतना सा दूरी, जब इतना सा दूरी 4 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, तो 6 और 8 रहेगा तो आपका क्या निकलेगा समकोण त्रिभुज में, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र यहाँ पर लिखना होगा। ये देखिए इस जगह पर लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है हम लोगों का लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या करना है दोस्तों, आधार का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर क्या करना, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा यानी कि 8 का स्क्वायर, देखते चलिए ध्यान से कैसे कर रहे हैं, इस जगह पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और आधार हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो जैसे ही कर देंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 64 36 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, और इस साइड में आपका कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर चलता ही रहेगा, यहाँ भी आपका कर्ण स्क्वायर है तो यहाँ भी कर्ण स्क्वायर होगा, लेकिन इस जगह पर सिर्फ कर्ण रहेगा और स्क्वायर हट के यहाँ पर चढ़ जाएगा रूट, तो रूट 100 का मान जो निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर समझना था ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, और हमारे मैथ वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, और जाके वीडियो को देख लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।